गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम विषय गणित में ज्यामिति पढ़ रहे थे, और ज्यामिति के अंदर भी क्या पढ़ रहे थे, यानी कि इसके कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री के। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने क्या चीजें स्टार्ट की थी? लास्ट क्लास में हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सर्कल वृत्त के बारे में। और उसके अंदर हमने क्या चीज पढ़ी थी? उसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर ये सारी चीजें पढ़ ली थी, जिसके अंदर से हम आज रिविजन करेंगे वृत्त की परिधि के बारे में, यानी कि वृत्त की परिमाप के बारे में आज हम उसका रिविजन करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हो, देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, यानी कि अगर आप वृत्त को जानते हो कि ये एक वृत्त है आपके पास में, तो इस वृत्त की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, यानी कि इस वृत्त की क्या होगी, कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। और त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र से लेकर के वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु तक की दूरी। अगर ये वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त के ऊपर स्थित एक बिंदु ए है, तो आप कहोगे केंद्र से लेकर के वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? उसकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वो उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और आप जानते हो कि जो वृत्त की परिधि होती है, इसका एक सूत्र होता है निकालने का। आप कहोगे जो वृत्त की परिधि होती है या फिर जो वृत्त का परिमाप होता है वो किसके बराबर होता है? जो वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप होता है वो किसके बराबर होता है? 2 × π × r के बराबर होता है। और आप जानते हो कि पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7, या फिर हम कह सकते हैं पाई का मान एक और होता है, कितना होता है? वो 3.14 होता है। ठीक है, और हम ये भी चीज जानते हैं जो वृत्त की परिधि होती है, जो वृत्त का परिमाप होता है, उसकी यानी कि उसकी यूनिट क्या होती है, वो किस चीज में निकल कर आता है, उसका मात्रक क्या होता है, जिसमें भी आपको त्रिज्या दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको त्रिज्या का मान आपसे कह दिया गया कि जो आर है वो आपके पास में कुछ सेंटीमीटर है, यानी कि कुछ मान दे दिया ए सेंटीमीटर, तो आप कहोगे जो इस वृत्त का परिमाप होगा, जो इस वृत्त का परिमाप होगा वो भी किसमें आएगा? वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि आपकी त्रिज्या किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में। और अगर आपकी त्रिज्या का मान मीटर में दे दिया है, तो आपका परिमाप का मान भी किसमें आएगा? आपका परिमाप का मान भी किसमें आएगा? मीटर में आएगा। यानी कि जिस चीज में आपको त्रिज्या दी जाएगी उसी यूनिट में, उसी मात्रक में क्या आएगा? आपका परिमाप भी आएगा। तो इतना अगर आप सभी को क्लियर हो गया है कि जो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है वो कितना होता है? 2πr, और जो पाई का मान होता है वो कितना होता है? 22/7 होता है। और जो हमारे पास में परिमाप निकल कर आता है वो किसमें आता है? उसी यूनिट के अंदर, इकाई के अंदर निकल कर आता है जो हमें त्रिज्या की दी जाती है। तो आप जल्दी से वाई टाइप करें ताकि हम आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करें पूछने जल्दी से। सही बच्चे, अगर आपको इतना समझ में आ गया है, रिवाइज हो गया है, तो आप जल्दी से वाई टाइप करें कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए, अब आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जा रहा है, और ये आपको जानते हैं कि चैट सेक्शन क्यों रोका जा रहा है, कि अब आपके सामने एक प्रश्न आने वाला है, आप उसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में उसका आंसर कहाँ करेंगे? आप पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। तो आपके सामने एक प्रश्न आ गया है, आप इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में क्या करेंगे? इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए, आपसे क्या पूछा गया है इस प्रश्न के अंदर? आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी। आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करना, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करना। ठीक है, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको जल्दी से सॉल्व करे, ताकि कुछ समय के बाद आपका जब चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप अपना जल्दी से ऑप्शन भेज सकें कि आपकी तरफ से सही आंसर कौन सा है। तो आपके पास में 2 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से क्या करें, इस प्रश्न को जल्दी से हल करके आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए, आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी। आपको किसका मान दे दिया गया है? आपको त्रिज्या यानी कि आपको आर का मान दे दिया गया है, कि इसमें आर यानी कि जो त्रिज्या है उसका मान कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और आपसे किसका मान पूछा गया है? आपसे परिधि, परिमाप का मान पूछा गया है, बताइए कितना मान होगा। सभी बच्चे जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना ऑप्शन जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, साथ के साथ ही सभी बच्चों के साथ में। देखिए, अभी कुछ बच्चों ने पोल के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें।
आपसे पूछा गया है यदि वृत्त की परिधि, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी। चलिए अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर ऑप्शन वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से वोट करें जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया है। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। जिन बच्चों ने अभी पोल के अंदर वोट नहीं किया है वो भी जल्दी से वोट कर दीजिए। अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। अमन कुमार, अगर बच्चे माइक ओपन करोगे तो क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे। प्लीज सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। आपके पास में लास्ट 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अब सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे और चैट सेक्शन में जल्दी से अपना सही, जो भी आपको सही लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही है आपकी तरफ से, जल्दी से सेंड कीजिए। विनय, वरुण, ठीक है, प्रवीण, अनिल, यामिनी, ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हर्ष, चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए आपको क्या चीज दी गई थी और आपसे क्या चीज पूछी गई है। आपको त्रिज्या का मान दिया गया था 14 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। पूछा गया बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो आपने कहा जो वृत्त की परिधि होगी वो कितनी होती है, वो होती है 2 गुणा पाई गुणा आर होती है। अब आप क्या कर देंगे, इसके अंदर दिया हुआ आर का मान भर देंगे। तो आपने लिखा जो परिमाप का मान हो गया, यानी कि वृत्त की परिधि होगी 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7, और गुणा आर का मान कितना होता है, हमारे पास में 14 सेंटीमीटर दिया गया है। आर का मान कितना दिया गया हमें, 14 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको हल करोगे तो आप जानते हो कि जब हमारे पास में भिन्न को, अगर हमारे पास में लिख दिया जाए भिन्न 2/3 गुणा 5/4 या फिर 5/3, तो आप कैसे गुणा करते हो, आप अंश की गुणा अंश में कर देते हो 10, और हर की गुणा हर में कर देते हो 3 * 9, यानी कि आपके पास में कितना आ गया, 10/9। इसी तरीके से अगर आपके पास में ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हो कि अंश अंश के साथ गुणा होते चले जाएंगे और हर हर के साथ में। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि इन सभी को गुणा करके कर दो, या फिर आप जानते हो कि एक भिन्न के हर से एक भिन्न के अंश को काटा जा सकता है। तो आपने कहा 7 से कट कर देते हैं किसको, 14 को, 14 को, तो 7 * 7 और 7 * 2 = 14। तो आपके पास में परिमाप का मान आ गया 2 गुणा पाई का मान कितना आ गया आपके पास में, 22/7 था, यानी कि पाई। आर का मान कितना आ गया, 2। तो आपने इसको गुणा करा, जब आप इसको गुणा करोगे 2 और 2 को 4, और 4 की गुणा 22 में करोगे तो कितना आ गया, 88। और आप जानते हैं परिमाप किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आपकी त्रिज्या किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। तो आपका परिमाप का मान कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, अगर सभी को समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो वो एन टाइप करना। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, यानी कि इतनी तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को गुणा करना आता होगा भिन्न। अगर किसी बच्चों को नहीं आता है तो वो भी पूछ लेना, यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या है, सही है, 88 सेंटीमीटर। चलिए अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ही आंसर बताएंगे कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती, अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती 14 की जगह, तो जल्दी से बताओ परिमाप का मान कितना होता। अगर आपसे कह दिया जाए कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या का मान, आर का मान 7 सेंटीमीटर है, तो बताओ वृत्त की परिधि का मान कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कितना होगा। ठीक है वरुण, आपका शायद गलती से टाइप हो गया था, अभी ठीक आपने भेजा है, 44 सेंटीमीटर। यानी कि अगर त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर हो गया तो परिमाप का मान कितना होगा। आपने कहा सर परिमाप का मान होगा 2 गुणा पाई, पाई का मान है 22/7, गुणा आर, आर का मान कितना है, 7, और 7 से 7 कट गया, यानी कि परिमाप का मान कितना आ गया हमारे पास में, 44 सेंटीमीटर। अब आप सभी जल्दी से हमें बताएंगे कि अगर हमारे पास में त्रिज्या का मान, आप सभी हमें जल्दी से बताएंगे कि अगर आपके पास में त्रिज्या का मान अगर आपको 7 ना दे करके
14 ना दे करके, अगर आपको त्रिज्या का मान, देखो नीले पेन से हम लिख रहे हैं कि अगर आपको त्रिज्या का मान कितना दे दिया जाए, आपको त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर दे दिया जाए कि त्रिज्या का मान है 5 सेंटीमीटर, तो जल्दी से बताओ परिमाप का मान कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि अगर वृत्त की त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर है तो बताएंगे कि इसके परिमाप का मान कितना होगा। हेलो निखिल, कोई बात नहीं सर, निखिल आप जल्दी से क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, आज हम क्वेश्चंस ही कराएंगे आपको बहुत सारे। देखिए आपसे पूछा गया है यदि त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त का परिमाप कितना होगा। ठीक है विनय, आपका ठीक है। विनय एक ही बार लिखो प्लीज बच्चे, बार बार रिपीट मत करो। बाकी निखिल आप भी बताइए, ठीक है वरुण आपका, निखिल आपका, अनिल आपका भी ठीक है, सागर आपका भी ठीक है। ठीक है यानी कि अगर आपको वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे दी जाए, अगर आपको वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका परिमाप कितना होगा, तो आपने कहा अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो आपने परिमाप का सूत्र लगाया कि परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है सर 2 गुणा पाई, पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर का मान कितना होता है 5, यानी कि हमको दे दिया गया आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपने गुणा करा, 5 दूनी कितना होता है 10, और 10 की गुणा जब 22 में करोगे तो 22 धाम कितना होता है, आप कहोगे सर 220 होता है, यानी कि 220 बटे, इन सभी के नीचे कुछ नहीं था एक मान लिया, एक की गुणा 7 में करी तो 7 और 7 की गुणा 1 में करी तो 7, यानी कि जो वृत्त का परिमाप हो गया वो हो गया 220 बटे 7। त्रिज्या किसमें थी, सेंटीमीटर में, तो आंसर भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में, यानी कि आपका आंसर आ गया 220 सेंटीमीटर। चलिए अगर इतना सभी को समझ में आ गया है कि वृत्त की त्रिज्या अगर हमें दे रखी हो तो हम वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, यानी कि हम वृत्त की परिधि निकालेंगे उसका सूत्र लगा करके। ठीक है अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो एन टाइप करना। निखिल आपको क्या चीज पूछनी है बच्चे। सर ये एक बार फिर से समझा दो। ठीक है देखिए आपसे पूछा गया था, चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे एक बार, निखिल के साथ सभी बच्चे देखेंगे सामने। देखिए यस सर। आप, हाँ आपको क्या चीज दी गई थी, आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि बताइए वृत्त का परिमाप कितना होगा। तो आप सभी बच्चे यहाँ पर देखना कि अगर आपके पास में एक वृत्त है और आपको क्या पता है, वृत्त की त्रिज्या पता है, यानी कि एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या अगर आपको पता है कि इसकी त्रिज्या अगर हम मान लें ओ ए, और ये आपको दे दी जाए कि जो वृत्त की त्रिज्या है अगर वो 5 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त का परिमाप कितना होगा, यानी कि वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो आपको अगर परिधि निकालने के लिए हम उसका सूत्र लगाएंगे 2 गुणा पाई गुणा आर, और जो भी मान हमें दे रखा है वो भर देंगे, जैसे 2 का मान तो 2 ही होगा, पाई का मान कितना हो गया 22/7 हो गया, और गुणा आर, आर का मान हमें कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो आपने आर की जगह कितना रख दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे कि जब आप इनको गुणा करोगे तो आप क्या करोगे, आप गुणा करोगे, पहले आप गुणा कर लो 2 की 5 के साथ में, और 2 पंजे कितना होता है 10, और 10 की गुणा कर लो 22 के साथ में, तो कितना हो गया 220 बटे, और नीचे क्या है 1 गुणा 7, यानी कि 7 ही होता है, और 7 एकम कितना होता है 7, यानी कि आपका आंसर आ गया 220 बटे 7। अब हमें त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी थी इसलिए हमने कह दिया जो परिमाप का मान आएगा वो कितना आएगा सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि 220 बटे 7 सेंटीमीटर। अब बताइए आप जल्दी से निखिल अपना माइक ओपन कीजिए एक बार, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अब बच्चे क्या करना है, हम आपका चैट सेक्शन बंद कर रहे हैं क्योंकि अब आपके सामने एक और नया पर्सन आएगा, आप उसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, और कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करें पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, जिनके पास में पोल का ऑप्शन आता है सभी बच्चे पोल के अंदर वोट करेंगे। ठीक है तो जल्दी से जाइए, आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया गया है प्रश्न नंबर 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि आपको इस बार परिमाप दे दिया है। पिछली बार क्वेश्चन अलग था, पिछली बार आपको त्रिज्या दी गई थी, देखो पिछली बार आपको त्रिज्या दी गई थी 5 सेंटीमीटर और आपसे परिमाप पूछा गया था, इस बार क्वेश्चन अलग है, यानी कि आपको परिमाप का मान दे दिया है कितना 10 पाई सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया त्रिज्या बताओ कितनी होगी। तो आपको ये प्रश्न हल करना है इस बार कि आपका प्रश्न पिछली बार से थोड़ा सा अलग है। ठीक है पर करेंगे कैसे, करेंगे वैसे ही जैसे आप हमेशा करते आए हो,
यानी कि आपसे त्रिज्या पूछी गई है, परिमाप आपको दे रखा है, तो आप उसी सूत्र का इस्तेमाल करोगे, यानी कि किसका, आप इसके वृत्त की परिधि का सूत्र का इस्तेमाल करोगे और आपको त्रिज्या का मान निकालना है, समीकरण बनने जाएगी, समीकरण को हल करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए, इस प्रश्न को हल कीजिए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए। यदि वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। सभी बच्चे पहले इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन वोट कर सके। ठीक है, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता नहीं है तो बेचारे वोट नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करें, वो भी सोल्व कर लें और सोल्व करने के बाद में अपना ऑप्शन कॉपी के ऊपर लिख लें, ताकि जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो बच्चे जल्दी से अपना ऑप्शन लिख करके भेज दें। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। आपसे पूछा गया कि यदि वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। चलिए काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर वोट कर दें। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चे पोल के अंदर वोट कर चुके हैं। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी जल्दी से सोल्व कर लीजिए, ताकि जब आपका चैट सेक्शन खोला जाए तो आप भी जल्दी से अपना ऑप्शन वोट पोल से सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिख के भेज सके। चलिए अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। सभी बच्चे अपना ऑप्शन भी याद रखेंगे कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। ठीक है, अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और जल्दी से सभी बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और वो जल्दी से अपना सही ऑप्शन भेजें कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं। ठीक है विनय, वरुण, विनय एक ही बार भेजा करो बच्चे, हर्ष आप भी एक ही बार आंसर भेजो। ठीक है अनिल आपका, प्रवीण, प्रिंस, दानवीर, निखिल। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए आपको परिमाप का मान दिया गया था, अब सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे कि आपको परिमाप का मान दिया गया था 10 सेंटीमीटर, आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया था, तो आप इसमें त्रिज्या कैसे निकालोगे, यानी कि आप इसके अंदर परिमाप का सूत्र लगा दोगे, कि परिमाप का सूत्र होता है कि परिमाप होता है 2 गुणा पाई गुणा आर, जिसका भी मान दे रखा है उसका मान भर दीजिए। जैसे कि आपको परिमाप का मान दे रखा है कितना, 10 पाई बराबर 2 पाई गुणा आर। आपसे किसका मान पूछा गया है, आर का मान पूछा गया है, तो जिस चीज का मान आपसे पूछा गया है वो उधर ही रहेगा, यानी कि आपने कहा सर आर तो इधर ही रहेगा, बाकी ये कितना है, 10 पाई है। अब आप देखो ये 2 पाई आर के साथ में गुणा में था। आप जानते हो किसी भी समीकरण को हल करते वक्त अगर आप चीजों को एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ लेके जाते हो, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ या सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, तो जो चीज आपकी गुणा में होती है वो भाग में बदल जाती है दूसरी तरफ जाने के, और जो चीज भाग में होती है वो दूसरी तरफ जाने के बाद गुणा में बदल जाती है। आप देख रहे हो कि 2 पाई यहाँ पर आर के साथ गुणा में था, तो इधर आके वो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, पाई से पाई कट गया और 2 से 10 कट गया 5 टाइम, तो आप कह दोगे जो आर का मान है वो कितना हो गया आपके पास में, 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया वो आपके पास में, 5 सेंटीमीटर। तो आपका विकल्प बी क्या है, विकल्प बी आपका सही आंसर है, 5 सेंटीमीटर। अब आप बताइए हमें जल्दी से, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करके भेजना, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करके भेजना, ताकि हम उनसे पूछ लें कि उनको क्या डाउट है। ठीक है, सभी बच्चों ने वाई टाइप करके भेजा है। अनिल आप जल्दी से अपना माइक ओपन करेंगे, अनिल सुहाग के नाम से जिस बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, बताइए अनिल आपको क्या डाउट है बच्चे। सर एक फिर समझाना। ठीक है हम एक बार फिर से बताते हैं, देखिए सामने देखेंगे, माइक बंद कर देंगे बाकी सभी बच्चे, सभी बच्चे माइक बंद कर दीजिए। अब अनिल आप भी माइक बंद कर देना अपना। देखिए आपको क्या चीज दिखे,
बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। चलिए अब देखिए, देखो आपको यहां पर दे रखा है वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है, यानी कि आपको किसका मान दे दिया है? आप कहोगे सर हमें परिमाप का मान दे दिया गया है, कितना? 10 पाई सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है बताइए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है। अगर आपको परिमाप का मान दे करके त्रिज्या का मान पूछा जाएगा तो आप कैसे कर सकते हो? आप जानते हो कि परिमाप और त्रिज्या के अंदर एक संबंध होता है, एक सूत्र होता है कि परिमाप बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। आप इन सभी के मान इसके अंदर भर दो जो जो हमें दे रखा है। जैसे कि हमें परिमाप का मान दे रखा है कितना, 10 पाई, बराबर 2 गुणा पाई का मान पाई ही रख रखे हैं क्योंकि इधर पाई में दे रखा है आंसर, तो हमने पाई ही रखा है, पाई का मान 22/7 नहीं रखा है, गुणा आर तो आर ही दे रखा है, यानी कि हमने सिर्फ इसके अंदर परिमाप का मान भर दिया है। अब आपसे त्रिज्या पूछी गई है आर, तो जो चीज आपको निकालनी है वो उधर ही रहेगी, आर इधर ही रहेगा, बराबर किसके बराबर था? 10 पाई के, लेकिन पर आर के साथ में 2 पाई गुणा में था। अब जब समीकरण को हल करते हैं, तो जब आप समीकरण को हल करते हो तो जो भी चीज आपके उल्टे हाथ की तरफ होती है आप उसे सीधे हाथ की तरफ लेके जाते हो, या फिर सीधे हाथ की चीज को आप उल्टी हाथ की तरफ लेके जाते हो, तो आपके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि ये दोनों यहाँ पर गुणा में थे आर के साथ में, तो गुणा तो बदल जाती है किसके अंदर? भाग में, और भाग किस में बदल जाता है? गुणा में। तो अब ये देखो ये दोनों ही गुणा में थे, तो इधर आके दोनों ही क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। पाई से पाई कट गया और 2 से 10 कट गया 5 टाइम, यानी कि 2 से 10 कट गया 5 टाइम। तो आप कहोगे आर का मान कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया, वैसे तो सभी को समझ में आ गया था। अनिल आप अपना माइक ओपन करके बताओ, अनिल आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? आ गया सर समझ में। हाँ ठीक है, अच्छा हमारा कुछ प्रश्न है अब आप सभी के साथ में, सभी को समझ में आ गया? देखो अगर हमें परिमाप का मान दे दिया जाए कि परिमाप का मान है 15 पाई सेंटीमीटर, तो सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे त्रिज्या का मान कितना होगा? अगर हमें दे दिया जाए कि परिमाप का मान है 15 पाई सेंटीमीटर, तो बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताइए, ऑप्शन के अंदर टाइप करना चैट सेक्शन के अंदर कि अगर हमें परिमाप का मान दे दिया जाए 15 पाई सेंटीमीटर, तो बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा? आप डिवाइड मत करना, आप उसको भिन्न के रूप में ही बता देना, सर इतने बटे इतना होगा। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे कीजिए, एक बार कर लीजिए सॉल्व। सॉल्व करने के बाद में जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर बताएंगे कि अगर परिमाप का मान 15 पाई सेंटीमीटर होता तो बताओ त्रिज्या का मान कितना होता? ठीक है, नवदीप का आंसर आया अभी तक, बाकी किसी और बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया है, अभी सिर्फ नवदीप पुनिया का आंसर आया है, निखिल का आंसर आ गया है, विनय का आंसर आ गया है, यामिनी का आंसर आ गया है, अनिल का आंसर आ गया है, अबीन का आंसर आ गया है, वरुण का आंसर आ गया है, दानवीर का आंसर आ गया है। ठीक है, यानी कि अब बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं। अब आप देखो कि आपने सही सॉल्व किया है या आपने गलत सॉल्व किया है। अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप देखना कि आपने सही सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। यानी कि आपसे जब त्रिज्या का मान पूछा गया है तो आप त्रिज्या कैसे निकालोगे? आप त्रिज्या ऐसे निकालोगे कि सर हमें त्रिज्या का मान निकालना है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर एक सूत्र होता है परिमाप का, परिमाप बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। परिमाप का मान दे दिया गया हमें 15 पाई, बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। अब आपको आर निकालना है तो आर इधर ही रहेगा, आपने कहा ये 15 पाई के बराबर था, 15 पाई। अब जो चीज आर को गुणा कर रही थी वो चीज इधर आके भाग कर देगी, यानी कि आपने 2 पाई से भाग कर दिया, पाई से पाई कट गया, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? यानी कि आर का मान, त्रिज्या का मान आ गया 15/2, यानी कि आप कहोगे आंसर आ गया 15/2, और अगर इसको भाग कर दोगे तो कितना जाएगा? 7.5। और आंसर किसमें आएगा? 7.5 या फिर 15/2 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको परिमाप किसमें दे रखा था? सेंटीमीटर में। अब आप हमें जल्दी से बताइए कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि नहीं आया है, जल्दी से अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, हम उनसे पूछे कि उनको क्या डाउट है। सभी को समझ में आ गया है? वरुण अभी नहीं आया बच्चे आपको समझ में? सर एक बार दोबारा। ठीक है, एक बार हम फिर से बता देते हैं।
सभी बच्चे सामने देखेंगे, हम इस बार फिर से संख्या बदल रहे हैं। वरुण आप बच्चे ध्यान देना स्क्रीन पर, देखो अगर परिमाप का मान आपको 25 पाई दे दिया जाए, 25 पाई सेंटीमीटर, तो बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा। सभी बच्चे अभी इसको हल करेंगे, आप वरुण आप भी एक बार इसको हल करने की कोशिश करो कि अगर परिमाप का मान 25 पाई सेंटीमीटर है तो बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा। सभी बच्चे आप स्क्रीन पर देखिए, आपको एक प्रश्न दिखाया गया है जिसमें आपको परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि का मान दे दिया गया है कि वृत्त की परिधि 25 पाई सेंटीमीटर है, तो बताइए उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अगर वृत्त की परिधि का मान 25 पाई सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। नवदीप का आंसर आया है सबसे पहले, अब प्रवीण का भी आंसर आ गया है। वरुण बच्चे आप भी कोशिश करो, अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आएगी तो हम फिर से बताएंगे अभी, तब आप उसको अच्छे से सुनना। अभी नवदीप का आंसर आ गया है, प्रवीण का आंसर आ गया है, यामिनी का आंसर आ गया है, वरुण का आंसर आ गया है, मीनू रॉय का आंसर आ गया है, ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, अमन का आंसर आ गया, निखिल का आंसर आ गया है, अनिल का आंसर आ गया है, वरुण आपका भी आंसर आ गया है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखिए कि किसका सही हुआ है किसका गलत हुआ है, और जिसको कुछ डाउट हो तो प्लीज वो फिर से पूछ लेना एक बार कि सर हमें यहां पर डाउट है। देखो आपको परिमाप का मान दिया गया है 25 पाई सेंटीमीटर और आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है, बताइए त्रिज्या कितनी होगी। तो आपने कहा परिमाप निकालने का एक सूत्र होता है कि परिमाप होता है 2 गुणा पाई गुणा r। आपने कहा सभी के मान भर देते हैं जो जो हमें पता है, यानी कि हमें पता है कि जो परिमाप का मान है वो हमें दे रखा है 25 पाई बराबर 2 गुणा पाई गुणा r। हमसे किस चीज का मान पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि आप हमें बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा। तो आपने कहा त्रिज्या का मान निकालना है, त्रिज्या का मान निकालना है तो त्रिज्या इधर ही रहेगी बराबर 25 पाई, हमने इधर ही रखा है क्योंकि 25 पाई पहले भी हमारे बराबर के साइन के इधर था, आज भी 25 पाई बराबर के साइन के इधर है, लेकिन पर आप देख रहे हो कि 2 पाई ये आर के साथ गुणा में था, लेकिन पर जब ये इक्वल टू के इधर आएगा बराबर के साइन के दूसरी तरफ आएगा तो ये भाग में बदल जाएगा, किसे बदल जाएगा भाग में, ये रहेगा 2 गुणा पाई। आप हमें यहीं पर बताओ, अगर किसी का डाउट है तो आप हमें जल्दी से माइक ओपन करके कोई भी बच्चा यहीं पे पूछ सकता है अगर उसको यहाँ पर कोई डाउट है, जल्दी से अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा यहीं पर पूछ सकता है कि सर मेरा यहीं पर डाउट है कि आर का मान निकालते वक्त आपने इसको कैसे इसके नीचे रखा है। अगर सभी को क्लियर है तो आप जानते हो पाई से पाई कट जाएगा, आर का मान कितना आ गया, सर आर का मान आ गया 25/2। जब आप 25 को 2 से भाग करोगे या तो आर का मान इतने ही सेंटीमीटर रहने दो, या फिर जब आप 2 से 25 को भाग करोगे तो 2 एकम 2 कट गया, 5 को भाग किया तो 2 दूनी 4 1 आ गया, पॉइंट लगाए तो 2 पंजे 10, यानी कि आपको हो गया सर त्रिज्या का मान आ गया 12.5, कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब आप हमें बताओ सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें, और अगर अभी किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछे, ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब देखो इतना तो उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया तो अब बच्चा कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब आपका कमेंट सेक्शन फिर से बंद किया जाता है बच्चों, कमेंट सेक्शन आपका फिर से बंद किया जाता है, और आपको पता है कमेंट सेक्शन बंद करने की वजह क्या होती है कि अब आपकी स्क्रीन पर एक और प्रश्न आने वाला है जिसको आप बच्चे जल्दी से हल करेंगे। देखिए आपको दिया गया यदि वृत्त का परिमाप 66 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब आप सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करें, प्रश्न नंबर 14 को, और हल करने के बाद में सभी बच्चे पहले आप प्रश्न नंबर 14 को हल करें, हल करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके इस आंसर का सही ऑप्शन वोट करेंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। देखिए यदि वृत्त का परिमाप 66 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का परिमाप 66 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। आप जान चुके हैं इन प्रश्न को कैसे हल करना होता है, तो आप सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर अपना सही ऑप्शन वोट करें, और अगर जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं भी आ रहा है तो वो भी क्या करें, इस प्रश्न को जल्दी से हल करें ताकि जब आपको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिले तो और आप राहुल जल्दी से। बच्चे अपना माइक बंद कीजिए प्लीज।
जो भी कुछ कहना है अभी आपके पास में चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा, तब आप कुछ कहना, ठीक है? तो बच्चों आपको मेरा नेट एक, खत्म हो गया ठीक है वरुण, कोई बात नहीं बच्चे, आप नेट इस टाइम तक बचा के रखा करो। आप बच्चों को पता होती है कि क्लास होगी तो प्लीज नेट को थोड़ा सा बचा के रखा करो। बाकी सभी बच्चे भी ध्यान रखेंगे, अपना मोबाइल हमेशा चार्ज करके रखेंगे क्लास से पहले। कोई भी बच्चा अपना नेट बेवजह में खर्च नहीं करेगा, क्लास के पहले पूरी क्लास अटेंड किया करो, उसके बाद आप नेट, बच्चे हुए नेट का कुछ भी इस्तेमाल कर लिया करो, ठीक है? तो सबसे पहले नेट बचा के रखा करो, और सभी बच्चे अपने मोबाइल भी चार्ज रखा करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ताकि जब आपको प्रश्न हल करने का टाइम दिया जाता है तो आप उसको अच्छे से हल किया करो। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने हल कर लिया होगा अब तक, तो जल्दी से बाकी बच्चे भी इस प्रश्न को हल करें जल्दी से, और पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, सभी बच्चों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, जल्दी से सभी बच्चे पोल के अंदर अपना आंसर वोट कर दें। अब सभी बच्चों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, फिर आपका पोल एंड किया जाएगा। बच्चों जल्दी से सॉल्व करके अपना आंसर पोल के अंदर वोट कर दीजिए। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, और अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है बच्चों। 5 सेकंड के बाद आपका पोल सेक्शन बंद किया जाएगा। 5, 4, 3। हर्ष बच्चे प्लीज रिपीट मत करो, क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे। 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से बच्चे चैट सेक्शन में जाएं, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजें कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। विनय ठीक है आपका, निखिल, नवदीप, बाकी बच्चे भी जल्दी से, अनिल, दानवीर ठीक है, प्रिंस, अमन, हर्ष, वरुण ठीक है, आप सभी बच्चे रिपीट कर रहे हैं। अब सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, देखिए यदि वृत्त का परिमाप, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, पहले आप सभी बच्चे समझ लीजिए, सभी बच्चे पहले समझ लीजिए फिर टाइप करना, ठीक है? देखिए आपसे क्या चीज पूछी गई है कि यदि वृत्त का परिमाप 66 सेंटीमीटर है, ठीक है हर्ष? कोई बात नहीं बच्चे, आगे से ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, कोई भी अपना माइक वेवजा नहीं खोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। यदि वृत्त का परिमाप 66 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको परिमाप का मान कितना दे दिया गया है, 66 सेंटीमीटर, तो पूछा गया बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आपसे पूछा गया त्रिज्या बताओ कितनी होगी। अभी तक आप इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे कि अगर हमें परिमाप दे दिया जाए और त्रिज्या निकालनी हो तो परिमाप का हमें सूत्र पता होता है कि वृत्त का परिमाप होता है 2 गुणा पाई गुणा आर। आप इनके अंदर मान भर दीजिए जो जो आपको दिए गए हैं। आपने कहा सर हमें पाई परिमाप का मान दे रखा है 66, हमने भर दिया, 2 का मान 2 ही होता है, पाई का मान 22/7 होता है, गुणा आर। अब हमें आर निकालने, तो आर इधर ही रहेगी बराबर 66। अब आप देखो 2 और 22 ये गुणा में है आर के साथ में, तो ये दोनों इधर आके डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे, और ये देखो जो 7 है वो इधर आर को भाग कर रहा है तो वो इधर आके 66 को गुणा करेगा, ठीक है? अगर किसी बच्चों को यहां पर कोई डाउट है तो वो बच्चा जल्दी से अपना माइक ओपन करे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अपना माइक ओपन करे और वो जल्दी से बोल दे कि सर एक बार और समझा दो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो रहने दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? यानी कि सभी बच्चों को इतना आता है, तो आर का मान निकालना है। अब आप देखो 2 से कट कर दो 66 को, देखो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 66 गुणा 7/2 गुणा 22। अब आप जानते हो कि 2 से कट कर दो 66 को कितना आएगा, 33, 33 आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब जानते हो 33 और 22 11 के पहाड़े में आते हैं, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, यानी कि जो आपका आंसर आ गया है वो आ गया 3 गुणा 7/2, और 3 सत्य कितना होता है 21, यानी कि त्रिज्या का मान आ गया है 21/2, और जब आप इसको भाग कर दोगे तो आ जाएगा 10.5। किस में आएगा त्रिज्या, सेंटीमीटर में, क्योंकि आपका परिमाप किस में बच्चे, सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है। अब आप हमें जल्दी से सभी बच्चे बताइए, सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना,
और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ सकता है या फिर एंड टाइप करके भेजिए, हम आपसे पूछ लेंगे कि आपको क्या डाउट है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों की सारी चीजें समझ में आ गई है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 10.5 सेंटीमीटर। चले आगे सही बच्चे। दानवीर जल्दी से आप अपना माइक ओपन करो, दानवीर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, सर ये बताइए। एक बार और समझा ठीक है, देखो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि परिमाप का मान हमें दे रखा है कितना, 66 सेंटीमीटर। सभी बच्चे एक बार देख लो इनके साथ में, और त्रिज्या का मान हमसे पूछा गया है। तो जब आपको त्रिज्या निकालनी होती है तो आपको लिखना पड़ता है कि परिमाप बराबर कितना। आप लिखोगे परिमाप बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। अब आप अपने दिए हुए मानों को भर दो, जैसे कि परिमाप का मान कितना दे रखा है, 66, 2 का मान 2 ही रहेगा, पाई का मान होता है 22/7 और गुणा आर। हमको आर निकालनी है तो आर यहीं पर रहेगा, आर बराबर। अब देखो ये 66 है, अब आप ऐसे समझ लो ये 66 तो हमें दे ही रखा है। अब देखो जो संख्या है 2, यहां पर वो गुणा में थी, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो यहां पर आके वो भाग करेगी। अब आप देखो यहां पर 22 गुणा में था तो वो यहां पर आएगा भाग में, इसके साथ आएगा, और ये संख्या यहां पर भाग में थी 7, तो यहां पर वो ऊपर आ जाएगी 66 के साथ गुणा में। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि सर हमारे पास में एक समीकरण था, क्या समीकरण था, कि 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 66। तो आप कहोगे जो सर एक आर का बार मान थोड़ा होगा, फिर से समझाना। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, एक बार बताते हैं हम। देखो यही से डाउट है सभी का कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम एक बार फिर से समझा देते हैं सभी को। देखिए आपने कहा सर परिमाप का मान होता है परिमाप बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। परिमाप का मान रख दो 66 बराबर 2। ये तो आ गया था सर थोड़ी आगे से, जब ठीक है ये सर 66 कट जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपको आर का मान निकालना है, तो आप ऐसे करो पहले तो इसको सीधा करके लिख लो कि ऐसे 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 66। ऐसे सब बच्चों को समझ में आता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आर का मान कितना होगा, यानी कि आर तो यहीं पर रहेगा, आर बराबर 66 ऐसे रहेगा। अब आप देखो कि पूरी एक संख्या है 2/1, तो इधर आके ये उल्टी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/2 गुणा, इधर ये 22/7 है तो इधर आके उल्टी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7/22 हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, कि दूसरी तरफ ले जाने पर भिन्न उल्टी हो जाती है, दूसरी तरफ ले जाने पर भिन्न उल्टी हो जाती है। अब आप देखो कि 2 से काट सकते हो 66 को, 33 33 आ जाएगा, यानी कि अब आर का मान आ गया है आर बराबर 33 गुणा 1 गुणा 7/1 गुणा 1 गुणा 22। अब आप जानते हो कि 33 और 22 दोनों 11 के पहाड़े में आते हैं, तो 11 या 33 11 दूनी 22, यानी कि जो आर का मान अब आ गया वो कितना आ गया है, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 बटे 1 गुणा 1 1 होता है, और 1 गुणा 2 2 होता है, 21/2, या फिर जब आप भाग करोगे तो 10.5 सेंटीमीटर। अब आप हमें बताओ सभी को समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर सभी को समझ में आ गया है तो सब बच्चे वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो वो एन टाइप करना या फिर अपना माइक ओपन करके अभी भी पूछ सकते हो। चलो सभी को समझ में आ गया है, अब एक क्वेश्चन हम सभी से पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे सामने देखिए। यदि परिमाप का मान 33 सेंटीमीटर है, यदि परिमाप का मान 33 सेंटीमीटर है तो बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा, जल्दी से। और इस प्रश्न को हल करने के बाद हम आपको एक और क्वेश्चन देंगे, उसको भी जल्दी से हल कर देना। विनय बताओ आपका क्या डाउट है बच्चे, माइक ओपन करो विनय, डाउट बताइए बच्चे। आप बस लिख के भेज दे रहे हो कि डाउट है, आप लिख ही नहीं रहे हो कि क्या डाउट है। विनय आप माइक ओपन कर सकते हो सर बच्चे। जो आप पहले आप पाई से ठीक है, आप यहां पर देखिए सभी बच्चे, हम एक और बताते हैं। देखिए आपने कहा जो परिमाप का मान है वो कितना दे रखा है, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर। इसको पहले आप सीधा करके लिख लो, इधर लिख लो 2 गुणा पाई गुणा आर, और ये कितना है हमारे परिमाप के बराबर है। आपने कहा सर इनके मान रख देते, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर परिमाप का मान है 33। ठीक है, तो आप कहोगे सर आर का मान कितना हो जाएगा, आर हमें निकालना है, तो आर बराबर 33 गुणा,
अब देखो यहाँ पर 2/1 था, तो इधर आने के बाद ये 1/2 हो जाएगा, गुणा यहाँ पर 22/7 था, तो दूसरी तरफ आके ये 7/22 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो कि जब भिन्न को हम एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ लेके जाते हैं इक्वल टू में, तो अगर भिन्न 2/3 है तो वो 3/2 हो जाएगी, अगर भिन्न 7/6 तो वो 6/7 हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको कट कर सकते हो। कट कैसे करोगे, देखो 33 और 22 दोनों ही 11 के पाढ़े में आते हैं, तो आपने कहा 11 तिया 33, 11 दूनी 22, यानी कि आंसर आ गया 7 तिया 21/4। कितना आ गया आंसर, 21/4। ठीक है बच्चों, अब आप हमें बताओ अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो जल्दी से माइक भी ओपन कर सकते हैं, अगर सभी को समझ में आ गया तो वो वाई टाइप करें, अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो एन टाइप करके भेजिए, हम उनका नाम लेकर पूछ लेंगे कि आपको क्या डाउट है। नहीं निखिल बच्चे देखो यहाँ 33 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, तो 33 सेंटीमीटर में आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 33 गुणा 1/2 गुणा 7/22, और जब आप इस भिन्न को सोल्व करोगे तो 33 कट जाएगा 11 से 3 टाइम और ये कट जाएगा 11 से 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 21/4। बताओ निखिल आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है चलो, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए जो बच्चे खुद कर पाए, सभी को समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए जो आप खुद कर दो, और इस बार कॉपी दिखाओगे सब बच्चे अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाओगे। ठीक है देखिए, अब आपको परिमाप का मान दे दिया कि परिमाप का मान है 20 सेंटीमीटर, परिमाप का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा, आप उसको बटे की फॉर्म में ही रहने देना कि सर इतने बटे इतने आ रहा है। ठीक है करिए सभी बच्चे जल्दी से। जल्दी से करो, फिर हम आपको 15 मिनट में क्षेत्रफल के भी कुछ क्वेश्चन रिवाइज कराते हैं। जब बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर भेजना स्टार्ट कर देना सभी बच्चे, जैसे ही सॉल्व हो जाए वैसे ही सभी बच्चे अपना जल्दी से क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में ऑप्शन टाइप करके भेजना स्टार्ट कर देंगे कि सर हमारा ये रहा आंसर। बच्चे जल्दी से अगर सॉल्व हो गया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर भेजना स्टार्ट करना, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर भेजना स्टार्ट करना। नवदीप अगर हुआ है, विनय का हुआ है, निखिल का हुआ है, जिसका भी हुआ है बच्चे जल्दी से कमेंट करने स्टार्ट करना कि आपका कौन सा आंसर सही है। ठीक है निखिल, बच्चे बस माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, बाकी अभी आपको मौका दिया जाएगा जब आप माइक ओपन करके भी अपना, ठीक है निखिल, अवाई टाइप नहीं करना, आंसर टाइप करना है, आंसर 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 आंसर। ठीक है निखिल, 70/2 आपका आंसर है। अमन आप भी आंसर भेजिए, विनय, नवदीप, बाकी अनिल, अमन, बाकी सब बच्चे आंसर भेजिए। ठीक है यामिनी, एक बार विनय अपना आंसर चेक करो बच्चे। चलिए अब हम आपको कराते हैं, क्योंकि अमन ने भी आंसर भेज दिया है, विनय, दानवीर, यामिनी, प्रिंस, हार्स, काफी सारे सर बच्चों को को पूछ के पिज़्ज़ा भेज कर दिया लो, है। अब किस किसने किया। हाँ आपके कॉपी दिखा दो, चलो बच्चों किस किसने कराए जल्दी से, सही बच्चे अपनी कॉपी दिखाएंगे जरा किस किसने कराए। ठीक है वरुण आपने कराए, बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा सकते हो, वरुण ने तो दिखा दिया कि हाँ उन्होंने कॉपी के ऊपर हल कराए।
निखिल ने भी दिखा दी कॉपी, हर्ष ने भी किया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं जल्दी से, अवीन के नाम से जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है, अनिल के नाम से। आपने क्यों नहीं किया अभिनय? अमन ने भी किया है देखो कॉपी के ऊपर, अनिल ने भी किया हुआ है, और जो ओपी लिकेंड के नाम से उन्होंने भी किया हुआ है। ठीक है अमन, अमन ने तो देखो सर्कल बना बना के किए हुए हैं, उन्होंने पूरा बना रखा है सर्कल को भी। ठीक है अमन, आपने तो काफी अच्छे बना रखे, वृत्त बना बना कर आपने सवाल किए। चले अब देखेंगे सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए आपको परिमाप का मान दे रखा है कितना, 20। अभी किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, परिमाप का मान कितना दे रखा है, 20, और त्रिज्या का मान पूछा गया है। तो आपने कहा परिमाप का सूत्र लगा देते हैं, 2 गुणा पाई गुणा आर। पहले इसको सीधा करके लिख लेते हैं कि 2 गुणा पाई गुणा आर परिमाप के बराबर है। अब इनका मान भर देते हैं, 2 का मान 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा, गुणा आर बराबर परिमाप का मान कितना दे दिया हमें, 20 दे दिया है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक तो सभी को क्लियर है, क्योंकि यहां तक तो हमने सिर्फ सूत्र लगाया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आर का मान निकालना है, तो आर का मान निकालना है, तो आर को हमने इधर ही रहने दिया, बराबर 20 जिधर था उसको उधर ही रहने दिया। अब देखो आर का मान निकालना था, आर उधर ही रहा, बराबर 20 जिधर था उधर ही रहा। अब ये दो संख्या ऐसी है जिनके ऊपर हमने गोला लगाया है कि दूसरी तरफ जाएगी, और ये संख्या ऐसी जो दूसरी तरफ जाएगी, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लेते हैं। अब ये 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये गुणा में 1/2 हो जाएगा, गुणा में, यानी कि जब 22/7 दूसरी तरफ जाएगा तो ये 7/22 हो जाएगा। और जब आप इसको हल करोगे, हम इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं कि जब आप इसको हल करोगे तो ये कुछ ऐसा हल होगा कि सर आर बराबर 20 गुणा 1/2 गुणा 7/22। अब आप देखो 2 से तो कट गया 20, 10 टाइम में। अब आप देखो 2 से कट गया 10 5 टाइम में, और 2 से कट गया ये 11 टाइम में, यानी कि आंसर आ गया 7 5 35, 7 5 35/11, 7 5 35/11। अब आप हमें सर बताओ। हाँ सर बताइए मेरे को बच्चे, काम है, होमवर्क दे दो एक बार। होमवर्क पे बच्चों आपको क्या करना है, आपको जो होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में स्क्रीनशॉट हमने दिए थे, वो सारे बच्चों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपका वृत्त वाला ओके चैप्टर खत्म सर, हो गया है, आज हम आपको रिवाइज करा रहे थे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट ओके चैप्टर सर, स्टार्ट करेंगे। सुनिए, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्षेत्रमिति। ठीक है, अभी तक तो आप ज्यामिति पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ोगे क्षेत्रमिति, तो हम ओके आपको सर। रिवाइज करा रहे थे। ठीक है, तो अब बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। अब आप हमें बताओ, माइक बंद करके थैंक बैठे बच्चे, माइक बंद करिए सभी बच्चे, माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद। चलिए अब सभी बच्चे हमें बताइए कि सभी का आंसर समझ में आ गया है, कि इसका आंसर 35/11 होगा, या किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजना। ठीक है हर्ष, नवदीप, सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, सभी बच्चे सामने देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। चलिए सभी बच्चे अब सामने देखिए, अब हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, हमने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा हुआ है, अब हम वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्त क्या होता है आप जानते ही हो, कि अगर हमारे पास में एक आकृति ऐसे दिखाई गई है तो ये हमारे पास में वृत्त होगा, और वृत्त के अंदर कुछ त्रिज्या होती है, यानी कि उसके केंद्र से उसके ऊपर स्थित एक बिंदु को जोड़ दें, एक हो, तो ये जो बनती है हमारी त्रिज्या आर कहलाती है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है सूत्र उसका, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, एरिया होता है पाई गुणा आर गुणा आर। ठीक है बच्चों, और आप जानते हो क्षेत्रफल को किस में निकालते हैं, कि अगर हमारी त्रिज्या कुछ सेंटीमीटर में दे रखी है, ए सेंटीमीटर, तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर हमारी त्रिज्या मीटर में दे रखी है तो हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा, यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर।
और आप जानते हो कि पाई का मान कितना होता है? बच्चे, जिन बच्चों के पास में स्क्रीन नहीं आ रही है वो प्लीज क्लास को फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिए। देखो पाई का मान कितना होता है, 22/7, या फिर आप जानते हो पाई का मान कितना होता है, 3.14। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को रिवाइज हो गया है कि सर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसको हम पाई गुणा आर लिख सकते हैं, पाई का मान 22/7 होता है, और जो क्षेत्रफल निकल कर आता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो उसकी इकाई होती है वो वर्ग इकाई होती है। अगर सभी को समझ में आ गया, रिवाइज हो गया, तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करके भेजें जल्दी से। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो एन टाइप करके भेजें। चलिए, वेरी गुड। हर सही कोई बच्चा किसी का नाम नहीं लेगा क्लास के अंदर। चलिए, अब आपके सामने आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है। अब आपके सामने एक पर्सन आएगा, चलिए आप इस पर्सन को हल कीजिए जल्दी से। हल करने के बाद में सभी बच्चे इस पर्सन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन के अंदर वोट। ठीक है, सभी बच्चों को इसका आंसर वोट करना है पोल सेक्शन के अंदर जाकर के, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो भी साथ के साथ सोल्व करना, और जब आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा तो आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेज देना। देखिए, आपसे पूछा गया यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। आपसे पूछा गया यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, अभी आपको बताया था कि आपके पास में आर का मान दे दिया गया, कितना दे दिया गया आपको, 7 सेंटीमीटर, और आपसे क्षेत्रफल यानी कि एरिया के बारे में पूछा गया है, तो एरिया का सूत्र होता है, क्या होता है, पाई गुणा आर। तो सभी बच्चे जल्दी से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणा आर। तो जल्दी से इस फॉर्मूले को, सूत्र को इस्तेमाल करेंगे और जल्दी से अपना आंसर निकाल के बताएंगे कि सर इसका आंसर इतना आ रहा है। यानी कि पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर देना जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करके, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो भी क्या करेंगे, जल्दी से इस प्रश्न को हल करेंगे, ताकि जैसे ही आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो वैसे ही आप क्या कर दो, अपना आंसर भेज दो। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, जिन बच्चों ने अभी तक हल नहीं किया वो भी जल्दी से हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है। अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। बाकी बच्चे जल्दी से, जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और अपनी तरफ से अपना सही ऑप्शन भेजें कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। वरुण, विनय, ओपी लिगेंड, मीनू रॉय, दानवीर, अवीन, विनय, यानी कि सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर, काले कुमार, हर्ष, नवदीप, सभी बच्चों का आंसर आ गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखो, आपको क्या चीज दे रखी है, आपको एक त्रिज्या का मान दे रखा है कि त्रिज्या का मान है 7 सेंटीमीटर। ये रहा त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है तो आपने कहा सर वृत्त के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है एरिया वो होता है पाई गुणा आर। अब इसके अंदर दिए हुए मानों को भर दो कि जो एरिया का मान आएगा वो कितना आएगा, 22/7, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 22/7, गुणा त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 7 सेंटीमीटर, तो इस वाले त्रिज्या के लिए भी 7 गुणा इस वाले त्रिज्या के लिए भी हमने 7 लिख दिया, और एक 7 से नीचे वाला 7 कट गया, यानी कि जो एरिया है वो कितना आ गया, 22/7। जब आप इसकी गुणा करोगे तो आपके पास में गुणा करने पर कितना जाएगा, 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 1 15, और आप जानते हो एरिया का मान 154 होगा, लेकिन पर त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो एरिया सेंटीमीटर के
स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब आप हमें बताइए, अगर इतने सभी को समझ में आ गए तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है, डाउट है, नहीं समझ में आया, तो वो एन टाइप करना। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो जल्दी से पूछ लीजिए। चलिए, अब आपका कमेंट सेक्शन बंद किया जाता है। बताया वजह क्या है आपको, कि आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आने वाला है। अब आपका कमेंट सेक्शन बंद किया जाता है, आपसे आपकी स्क्रीन पर एक और प्रश्न आने वाला है, उसको आप जल्दी से हल करें। देखिए, आप इसको हल करेंगे, प्रश्न नंबर जल्दी से देखिए। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। उल्टा प्रश्न है इस बार आपके पास में, आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको हल कर लीजिए पहले जल्दी से, और हल करने के बाद में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन के अंदर। सर पॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा। पोल का आंसर आ गया है बच्चे, देखो एक बार। अच्छा, रुके रुके, अब आ गया, देख लीजिए। सॉरी, वो क्लिक नहीं हो पाया था। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, पहला प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि आपको एरिया दे रखा है कितना, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछी गई वृत्त की त्रिज्या यानी कि आपसे आर का मान पूछा गया है। सभी बच्चे ध्यान से सोल्व करेंगे कि आपको एरिया यानी कि क्षेत्रफल का मान दे रखा है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे किसका मान पूछा गया है, आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है। सभी बच्चे ध्यान से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अपना सही ऑप्शन वोट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, और आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है। अब आपके पास में आखिरी 30 सेकेंड है, कि जल्दी से आप बच्चे सोल्व कर लेना। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो भी जल्दी से सोल्व कर लीजिए, ताकि जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप अपना सही आंसर भेज दीजिए। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 15 सेकेंड है। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर, ओ सॉरी, पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कीजिए। अब आपके पास में आखिरी 10 सेकेंड है। आपसे पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। और अब आपके पास में आखिरी 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब आप जल्दी से, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन के अंदर, अपना सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। वरुण का आंसर आ गया है, विनय का आंसर आ गया है, काले कुमार का आंसर आ गया है, दानवीर का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर भेजिए। ओपी लिगेंड, निखिल, अवीन, हर्ष, विनय। ठीक है, अब जल्दी से सही बच्चे अपनी अपनी कॉपी और दिखा दो, किस किस बच्चे ने कॉपी पे सोल्व करा है। जल्दी से सभी बच्चे अपना एक बार कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा दीजिए, कि किस किस बच्चे ने कॉपी पे सोल्व करा है। सभी बच्चे जल्दी से एक बार अपनी कॉपी दिखा दीजिए, कि किस किस बच्चे ने कॉपी के अंदर सोल्व करा है। बस इतने से बच्चों ने सोल्व करा है, बाकी बच्चे अपनी कॉपी दिखाइए।
बाकी सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखाइए। निखिल दिखा चलिए ठीक है बच्चों, काफी सारे बच्चों ने किया है। दे। हाँ, ठीक है, काफी सारे बच्चों ने किया है। चलिए अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा। देखिए आप इसको भी सोल्व करना सीख जाइए। यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला ही लगा दीजिए कि सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुणा आर गुणा आर। अब आप एक बार इसको सीधा करके लिख दो कि सर पाई गुणा आर बराबर ए। अब आपको क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिख दीजिए कि पाई गुणा आर बराबर 64 पाई। आपसे किस चीज का मान पूछा गया है? आपसे आर का मान पूछा गया है, तो आर तो इधर ही रहेंगे दोनों आर। आपने कहा सर दोनों आर इधर ही रहेंगे, तो आर गुणा आर तो इधर ही रहा, आर गुणा आर बराबर 64 पाई। अब देखो ये पाई है, इसके नीचे एक मान लेते हैं, तो इधर आके कितना हो जाएगा? 1/π। पाई से पाई कट गया, यानी कि आपने कहा सर आर स्क्वायर का मान तो कितना हो गया कि आर गुणा आर का मान तो आ गया है सर 64, यानी कि आर स्क्वायर का मान हो गया 64। अब आप जल्दी से हमें एक ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्ग 64 होता है। हाँ आठ यानी 8, यानी कि 8 एक ऐसा नंबर है जिसका वर्ग 64 होता है। तो आप कहोगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर आर का मान कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आर का मान? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका सही है, 8 सेंटीमीटर। अब आप हमें बताओ कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना कि इसका आंसर 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने बी सी ए भेजा था। अब सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना? ठीक है, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आप सभी बच्चे जा सकते हैं, और अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो पूछ भी सकते हैं।